तो कल मैंने अपने YouTube स्टूडियो का रिसर्च टैब ओपन किया और वो मुझसे कह रहा था, भाई तेरे व्यूअर्स YouTube पर सबसे ज्यादा अंडररेटेड एनिमे तलाश रहे हैं। तो भाई मैंने वो देखते ही बैक टू बैक एक और टॉप 5 अंडररेटेड एनिमे का वीडियो तुम तक पहुंचा दिया है। नंबर 5 हिनेको। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी सुकी की एंड योटो की। योटो लोगों की नजर में एक ऐसा इंसान दिखना चाहता है जो शायद इस दुनिया का कोई भी लड़का नहीं चाहेगा। वो चाहता है लोगों से परवर्ट समझे और ऐसा करने के लिए वो किसी भी तरह की गंदी हरकत करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब भी वो कोई कांड करने जाता है वो सबकी नजरों में किसी और तरीके से ही आ जाता है। लोग अक्सर उसे अच्छा इंसान समझ लेते हैं। वहीं सुकी की अच्छी लड़की है, बट उसकी प्रॉब्लम ये है, वो अपने इमोशंस को अंदर नहीं रख पाती, जो कई बार उसके लिए शर्मनाक साबित होता है। वो थोड़ा मैच्योर दिखना चाहती है। फिर एक दिन इन दोनों को एक कैट स्टैचू के बारे में पता चलता है, जो विश करने पर लोगों के अनवांटेड ट्रेट्स को उनसे दूर कर सकता है। दोनों ही वहाँ पहुँच जाते हैं एंड अपनी विश मांग लेते हैं। अब इनकी विश पूरी तो हो जाती है, लेकिन इसके पीछे एक डार्क रियलिटी है जो तुम एनिमे देखोगे तब पता चलेगी। अभी के लिए इतना समझो, इस विश के पूरे होने के बाद इन दोनों की जिंदगी के बुरे तरीके से लग चुके हैं। जैसा रिजल्ट इन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा और अब इन्हें अपने पुराने वाले ट्रेट्स वापस चाहिए, लेकिन वो इतना आसान नहीं है। अब उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है, स्टैचू की रियलिटी क्या है और उन्हें उनके ट्रेट्स वापस क्यों नहीं मिल सकते, देखो इस एनिमे को पता लगाओ। नंबर 4 होम्स ऑफ क्योटो। इस मिस्ट्री रोमांस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी हाई स्कूल गर्ल आई माहिरो की। माओई अभी 6 महीने पहले ही दूसरे सिटी में शिफ्ट हुई थी। अब कुछ चीजों के चलते वो वापस जाना चाहती है, लेकिन उसके पास टिकट्स के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने अपने घर से ही कुछ सामान चोरी किया है जिसे वो रास्ते में किसी एंटीक शॉप पर बेचकर ट्रेन की टिकट्स के पैसों का जुगाड़ करने वाली है। लेकिन उसे ये नहीं पता है, वो जिस शॉप पर जाने वाली है उस शॉप पर पहुंचते ही उसकी किस्मत बदल जाएगी। आओई जैसे ही उस शॉप पर पहुंची, वो वहां पर मिलती है क्योटाका से, जो कि शॉप का मालिक है। क्योटाका को अपने एरिया का होम्स बोला जाता है। उसने तुरंत आओई को देखते ही पता लगा लिया, ये लड़की कुछ तो गड़बड़ करके आई है। लेकिन आओई ने ऐसा क्यों किया है, ये सुनने के बाद उसने उससे कुछ नहीं बोला है, बल्कि उसे अपनी शॉप पर एक पार्ट टाइम जॉब ऑफर की है। और इसके बाद उसने भी वापस लौटने का प्लान ड्रॉप कर दिया है और वो यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर चुकी है। वो दिन में इस शॉप पर काम करेगी और फिर जो भी उसके पास टाइम बचेगा उसमें वो क्योटाका के साथ मिलकर डिटेक्टिव बनकर केसेस सॉल्व करेगी। तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें इन दोनों के बीच एक बढ़िया रोमांटिक केमिस्ट्री देखने को मिल जाती है, जिसके आसपास मिस्ट्रीज का तड़का लगा रहेगा। नंबर 3 नात्सुयो की रेंड एंजुअस। रियोसुके हाजुकी एक यंग लड़का है जिसका दिल चोरी हो गया है। वो डेली रास्ते में एक फूलों के शॉप पर रुकता है उस इंसान की सिर्फ एक झलक के लिए जिसने उसका दिल चोरी किया है। रोकासेमाओ वो इंसान है और वो इस शॉप की ओनर है। अब हाजुकी ने उसके नजदीक जाने के लिए उसी के शॉप पे एज अ पार्ट टाइमर जॉब स्टार्ट कर दी है, लेकिन उसके कुछ भी करने से पहले एक लफड़ा हो गया है। उसके प्लान के बीच एक घोस्ट आ गया है। ये घोस्ट रोका का हस्बैंड है जो 3 साल पहले मर गया था। वो कुछ गलत नहीं करता, बस वो अपनी वाइफ पर हमेशा नजर रखता है और हाजुकी पहला इंसान है जो उसे देख पा रहा है। तो अब ये तीनों एक अजीब से रिलेशनशिप में फंस चुके हैं। सिमाओ जो की घोस्ट है और रोका सिमाओ का हस्बैंड है, वो चाहता है हाजुकी यहाँ से जाए, अपना रास्ता ना पे। वो उसकी वाइफ के पास क्यों आ रहा है, हाजुकी का कहना है सबसे बढ़िया सिमाओ चला जाए, सबके लिए अच्छा होगा, उसकी वाइफ को एक नई लाइफ मिल जाएगी और उसे उसका लव मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें एज गैप रोमांस देखने को मिलेगा गार्डन ऑफ बर्ड्स एनिमे के जैसे। इंटरेस्टेड हो तो तुम इसे देख सकते हो। नंबर 2 स्कम्स विश। हनावी एंड मूगी दूर से देखने पर सारी दुनिया के लिए परफेक्ट कपल है, लेकिन अगर कोई क्लोजली उनको देखे तो वो दोनों ही बस अपने दर्द को इस दुनिया से छुपाने में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, बट ये हेल्प थोड़ा फिजिकली कर रहे हैं। देखो यार चक्कर क्या है, हनावी एंड मूगी दोनों ही स्कूल स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने स्कूल के टीचर्स नारुमी एंड अकाने के लिए फील करते हैं, लेकिन नारुमी एंड अकाने अपनी आपस में ही लगे हुए हैं। तो यार ये साइकोलॉजिकल रोमांटिक ड्रामा है जिसके अंदर दो लोग जिसे चाहते हैं उन्हें वो नहीं मिल रहा, तो उन्होंने अपने ही दिमाग में उस इंसान की इमेज बना के उसे दूसरे इंसान में देखना शुरू कर दिया है। बेसिकली मूगी और हनावी फिजिकली इमोशनली मेंटली हर तरीके से एक दूसरे को यूज कर रहे हैं जिससे वो लोनली फील ना करें। तो ये आर रेटेड एनिमे है, इसके अंदर तुम्हें सब कुछ देखने को मिलेगा, कोई पाबंदियां नहीं होंगी। अब तुम चाहो तो इसे देख सकते हो और देखो तब एक कोना पकड़ के देखना। नंबर 1 कोकोरो कनेक्ट। सच सच बताना, कभी ना कभी अपने दोस्त को देखकर ये सबके मन में आता होगा, यार उसकी लाइफ कितनी सही है। तो ये एनिमे इसी तथ्य स्टेटमेंट को तुम्हारे सामने एक स्क्रीन की हेल्प से उतारता है। 4-5 हाई स्कूल फ्रेंड्स का ग्रुप जिनके अपने अपने कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं करते, लेकिन उन्हें खुद ऐसे लगता है जैसे उन्हें अपने दोस्तों के बारे में सब पता है।
है। वैसे ये सीक्रेट्स वाली सेम सिचुएशन तुम्हारे साथ भी होगी, तुम्हें भी लगता होगा जैसे तुम्हें उसके बारे में सब पता है, लेकिन जब ये सारे दोस्त एक दिन अचानक से बॉडी स्विचिंग चालू करते हैं तब एक एक करके उनके दोस्तों के सीक्रेट्स उनके सामने आते हैं। उन्हें पता चलता है उनके फ्रेंड को उन पर क्रश है। इसके अलावा जब वो अपनी आंखों से अपने फ्रेंड की लाइफ देखते हैं तब उन्हें समझ में आता है जिंदगी ने उन्हें कितना कुछ दे रखा है जो सबके पास नहीं है। तो यार ये एनिमे थोड़ा इमोशनल, थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा साइकोलॉजिकल सब है। और ये सिर्फ इस बॉडी स्विचिंग पर नहीं चलता रहता, इसमें तुम्हें और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो ये मस्ट वॉच एनिमे है। अगर तुमने ये नहीं देखा तो अब वेट मत करो, देख डालो इसे। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।